नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना IAS के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तो UPPCS में पंत की दो कविताएं भी हैं अलग से, जैसे परिवर्तन और नौका विहार। कई कहानियां भी हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि IAS वाले पंत से पूरी तरह बेखबर रहें। सावधान, UPSC यानी IAS की परीक्षा में अब कुछ अतिरिक्त मुद्दे भी पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मीरा पर भी प्रश्न है, पंत की प्रकृति चेतना पर भी प्रश्न है। इसलिए आप IAS देने वाले, संघ लोक सेवा आयोग UPSC देने वाले, कतई यह ना सोचें कि हमें ये नहीं पढ़ना है। जैसे कई बातें आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में भारतेंदु का नाटक भारत दुर्दशा है, किंतु अंधेर नगरी पर भी प्रश्न आ जाता है। आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन है, किंतु कई बार आधे अधूरे से भी प्रश्न आ रहा है। इसलिए आपको कलेक्टर बनना है। मैं ये नहीं कहता बहुत मेहनत करनी है, लेकिन बाकियों से थोड़ा आप कान आँख ज़्यादा खोल के रखें, हवा आने दीजिए अपने तक। बंद होके क्यों रहना, खोलिए अपने आप को, थोड़ा और विस्तृत होइए। दोस्तों, तो आज हम लोग हिंदी साहित्य में पंत जी की कविता परिवर्तन को देखने की कोशिश करेंगे। पहले तो कुछ बात समझिए कि सुमित्रानंदन पंत का संबंध छायावाद से रहा है, और छायावाद के चार कवियों निराला, जयशंकर प्रसाद, मीरा और पंत, मीरा नहीं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, इन चारों कवियों में पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाए। कैसे कवि कहलाए? प्रकृति के कई रसों का इन्होंने चित्रण किया, कोमल पदों का चित्रण किया। इसलिए इन्हें हिंदी में अंग्रेजी का वर्ड्सवर्थ कहा गया। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के सशक्त रचनाकार थे, तो पंत जी को हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा गया। दोस्तों, छायावादी रचनाकार होने के नाते इनकी नारी चेतना और प्रकृति चेतना अत्यंत सशक्त रही है। नारी चेतना पर इन्होंने कुछ ऐसी कविताएं लिखी, जैसे कहा कि सिर्फ योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित। और फिर इन्होंने लिखा कि प्रिय धारा है मैंने अपने सिर पर तेरा अक्षय श्रृंगार। नारी की तरह ही इनके बाल लंबे थे। कहते हैं कि एक छोटी सी बच्ची से इन्होंने प्रेम कर लिया था, और उस प्रेम की चर्चा ये मय शैली में बिना लाग लपेट के करती हैं। लिखा इन्होंने, वह बाला मेरी मनोरम सखा थी। दोस्तों, नारी से भी अधिक इन्होंने प्रकृति को प्रेम किया, और तब लिखा, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं मैं लोचन, भूल अभी से इस जग को। आप समझ सकते हैं कि प्रकृति के प्रति इनका अटूट लगाव, प्रकृति के प्रति इनकी रागात्मक चेतना किस प्रकार प्रगाढ़ थी। प्रकृति के सुकुमार कवि होने के कारण जब इन्होंने परिवर्तन जैसी रचना लिखी, तो एक विवाद उत्पन्न हुआ कि प्रकृति का इतना सुकुमार कवि परिवर्तन में प्रकृति के इतने भयावह, कठोर,
और उग्र रूप को क्यों देखने की कोशिश की। दोस्तों, पंत जी की कविताओं का संकलन पल्लव 1926 में प्रकाशित हुआ और इसी पल्लव की कविता है परिवर्तन। हालांकि जो लोग नेट जेआरएफ देते हैं, जेहन में एक बात बैठा के रखिएगा कि परिवर्तन वस्तुतः 1924 में ही लिखी गई थी कविता और पल्लव का प्रकाशन 1926 में हुआ। हालांकि अब यह कविता इसी संकलन में संकलित है। परिवर्तन नाम से ही स्पष्ट है कि सुमित्रानंदन पंत ने इस परिवर्तन के माध्यम से जीवन, जगत, मृत्यु, प्रकृति जैसे सभी रहस्यों के सत्य को एक प्रकार से पड़ताल करने की कोशिश की। यह माना गया कि लगभग 1920-25 से लेकर 1930 तक के काल के बीच पंत जी स्वयं व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहे थे, कहीं ना कहीं पीड़ावाद, वेदनावाद से गुजर रहे थे। व्यक्तिगत जीवन में भी उस पीड़ा को देखा था, कई प्रकार के अभाव को देखा था, जीवन संघर्ष को देखा था, काव्य जीवन के उथल पुथल को देखा था और संभव है उसी उथल पुथल ने परिवर्तन नामक विचार प्रधान, कैसी कविता, विचार प्रधान या यूं कहें चिंतन प्रधान कविता लिखने को शायद इन्हें साहस दिया हो, शायद इनमें वह प्रेरणा आई हो। यह माना गया कि परिवर्तन कविता लगभग 32 बंदों में लिखी गई है। अगर आप लोग उसे स्टेंजा नाम दें, पद नाम दें, तो 32 पदों में या 32 बंदों में यह कविता लिखी गई है और इसमें कई प्रकार के विचार, कई प्रकार के चिंतन या यूं कहें कि कई दार्शनिक विचारों का आप इसमें पूट देख सकती हैं। आलोचकों ने माना कि परिवर्तन कविता में एक तरफ गीता के कर्मवाद का प्रभाव है। किसका प्रभाव है दोस्तों? गीता के कर्मवाद का प्रभाव है। तो साथ ही इस रचना में आप वेदांत दर्शन को भी देखेंगे, जिस प्रकार गीता यह मानती है कि परिवर्तन संसार का नित्य सत्य है, गीता का यह भी प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। दोस्तों, कुछ आलोचकों ने यह भी माना कि वेदांत का अद्वैतवाद और वेदांत का विवर्तवाद, साथ ही उपनिषदों के भाववाद और इतना ही नहीं बौद्ध दर्शन का दुखवाद और आज के दर्शन में कहीं तो अस्तित्ववाद का भी प्रभाव आप इस रचना पर देख सकती हैं। छायावादी रचनाकारों ने
अतीत के प्रति मोहाविष्ट दृष्टि को अपनाए रखा। यानी छायावाद के केंद्र में यदि नवजागरण परक चेतना है, तो नवजागरण परक चेतना का अर्थ ही है अतीत को स्वर्णिम मानना और वर्तमान की जर्जर समस्याओं के लिए अतीत से प्रेरणा लेना, उस स्वर्णिम श्लाघ्य अतीत से प्रेरणा लेना। अब एक एक करके बातों को समझिएगा। अतीत और वर्तमान के बीच तुलना, अतीत और वर्तमान के बीच पंत जी ने तुलना की कोशिश की, परंतु उसे आप नवजागरण परक चेतना मत समझिए, क्योंकि वहां अतीत से प्रेरणा लेने की कोशिश नहीं है, बल्कि एकमात्र भाव है और वह यह कि दर्शाया जा सके कि जीवन का एक नित्य सत्य है, इतिहास का एक नित्य सत्य है और वह सत्य है परिवर्तन। जीवन प्रतिपल परिवर्तित है। इसलिए रचना की जो आरंभिक पंक्तियां हैं उसमें आप देखेंगे कि अतीत के प्रति एक मोहाविष्ट दृष्टिकोण है, अतीत के प्रति एक श्लाघ्य भाव है। जब पंत जी लिखते हैं कि कहाँ वह पूर्ण पुरातन सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, लिखते हैं जहाँ पंत जी कि जहाँ स्वर्ग की सुषमा साभार, धरा से करने को अभिसार, यानी स्वर्ग की सुषमा, स्वर्ग का सौंदर्य धरती पर जहां बिखरा हो, स्वर्ग भी जब धरती पर उतर आने को उत्सुक हो, वह कैसा अतीत रहा होगा, किस प्रकार का वह अतीत स्वर्णिम रहा होगा, जहां लोगों को, लिखते हैं पंत जी कि जहां दुख दैन्य लोगों को नहीं थे ज्ञात, परंतु ठीक उसके नीचे पंत जी वर्तमान पर आ जाती हैं, परिवर्तन पर आ जाती हैं और लिखती हैं कि यह सब भ्रांति और भ्रम मिथ्या जाल। जो अतीत के वो सुख थे, वो जो कल्पनाएं थीं, वो जो कपोल कल्पित बातें थीं, क्या वास्तव में वो सत्य थीं? वेदों में व्याप्त या वेदों में उल्लिखित जो सच्चाइयाँ थीं, जो स्वर्णिम परंपराएं थीं, विश्व गुरु होने का जो भाव था, या समृद्धि के हम शिखर पर थे, या अतीत में कहीं भी कलयुगी दुख दरिद्रता जैसी समस्याएं नहीं थीं, वर्तमान में आकर जीवन इतना जर्जर क्यों? स्पंद जी ने सिर्फ यह दर्शाया कि जीवन तो प्रतिपल परिवर्तित है, परिवर्तन ही इसका नित्य सत्य है, प्रज्ञा के माध्यम से इसी सत्य का आभास लिया जा सकता है। और तब कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बातें रखते हैं, लिखते हैं कि आज बचपन का सुकोमल गात, जरा यानी बुढ़ापा कहते हैं कि कभी बचपन का जो सुकोमल शरीर है वही बुढ़ापे का पीत पात पीला पत्ता बन करके क्यों डोल उठता है, पेड़ से बिछड़ जाने को, टूट कर अलग हो जाने को क्या जीवन यही सत्य है? कि कभी बचपन का जो सुंदर सुकोमल शरीर है जिसके विषय में मनुष्य यह सोचता है कि यह शरीर तो कभी रुग्ण होगा ही नहीं, कभी बूढ़ा होगा ही नहीं, परंतु वह भी बूढ़ा होकर, थक कर और एक दिन जीवन से कट कर मृत्यु को वरण कर लेता है। लिखते हैं पंत जी कि कभी सुवर्ण शैशव का स्वप्न होता है यह जीवन, यानी शैशवावस्था होती है,
फिर परिवर्तन के क्रम में आप देखें तो यौवन का रसाल, रसाल आम को कहते हैं जो मंजर से भर उठता है, जिसमें सुगंध हो, रस हो, गंध हो, जवानी हो। और फिर यही जीवन प्रौढ़ रूप लेकर, प्रौढ़ता बन करके एक वट वृक्ष की तरह यह जीवन छाया देने लगता है, और अंततः मानो किसी स्थविर की तरह शांत, नीरस, निश्चेतन बन जाता है शरीर, प्राणहीन हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। क्या यह जीवन चक्र है? मानो पंत जी ने कई प्रश्न रखे हैं, इसलिए पहली बात कि गीता की तरह इसमें परिवर्तन के सत्य को स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार गीता कहती है जो आज तुम्हारा है कल किसी और का, परसों किसी और का हो जाएगा, परिवर्तन ही संसार का नियम, यही गीता सार है। और इसी सार का मर्म आप परिवर्तन में देख सकते हैं। परिवर्तन कविता में आगे बढ़ते हुए पंत जी लिखते हैं कि प्रात ही तो जो कहलाई थी मात, अरे सुबह सुबह जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया था, और शाम होते ही उसकी उसकी गोद का बाल छीन जाता है, यानी अभी सुबह ही तो जो माता बनने का सुख भोग रही थी, जिसने वात्सल्य को अभी लुटाना आरंभ ही किया था अपने बच्चे पर, कि अचानक उसका वात्सल्य, उसका वत्स छीन जाता, उसकी गोद उजड़ जाती है। फिर लिखते हैं कि श्रृंगार और हल्दी लेपित जो काया थी, जिसमें अभी अभी श्रृंगार के कई रंग भरे गए थे, वह स्त्री सुहागन बनी थी, किंतु उसका सिंदूर बन गया विषम ज्वाल। ये कैसा जीवन सत्य है जो हर पल परिवर्तित होता रहता है। यदि आगे देखा जाए तो कहीं ना कहीं पंत जी पर अद्वैतवाद का भी प्रभाव है। मानते हैं कि परिवर्तन नित्य सत्य है, वह निष्ठुर है किंतु निर्वचनीय है। इसलिए कहते हैं, अरे विश्वमय परिवर्तन, अरे अहे निष्ठुर, अहे निर्वचनीय, तुम्हारे बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम नित्य सत्य हो, तुम विश्वमय सत्य हो, और ये जो मनुष्य है वो भ्रम का, अहंकार का, अज्ञानता का शिकार रहा है। और कहीं ना कहीं अद्वैत के माध्यम से यह भी बात समझाने की कोशिश करती हैं कि जैसे कबीर कहते थे, एक बूंद ते विश्व रच्यो है, तो पंत भी कहती हैं, एक छवि के सभी उड़गन, एक ही छवि में समस्त स्पंदन, एक ही विधि के सभी अधीन। जैसे कबीर कहते थे, एक बूंद ते विश्व रच्यो है, अद्वैत का प्रभाव लेकर। और कहीं ना कहीं यही पंत का सर्वात्मवाद है, यही अरविंद दर्शन है। आप कह सकते हैं कि इस कविता में अरविंद दर्शन का भी प्रभाव है, सर्वात्मवाद का भी प्रभाव है, कि सभी उसी विधि के अधीन है, विधि उनके साथ खेल खेलता है, रचता है, बनाता है। प्रकृति का तमाम परिवर्तन, प्रकृति की तमाम भयावहता, चाहे उसके सुकोमल रूप को देखें या उसके क्रूर, निष्ठुर, भयावह रूप को देखें, सब विधि के हाथ है। इसलिए फिर कहते हैं कि वहिनी, वात, भूकंप, अतिवृष्टि, सूखा, आग, कहीं प्रकृति की भयावहता, जलवायु परिवर्तन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, ये सब जीवन परिवर्तन के ही रूप हैं, प्रकृति परिवर्तन के ही रूप हैं, और कहीं ना कहीं प्रकृति उस विधि के अधीन है, और वह परिवर्तन ही अटल सत्य है। दोस्तों, पंत जी रहस्यवादी कवि थे। छायावाद का जो रहस्यवाद है वो प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यात्मक रूप को देखने का भी नाम है।
शुक्ल जी छायावाद के प्रति अपनी आलोचना में कहते हैं कि छायावाद विषय वस्तु की दृष्टि से रहस्यात्मक है और शैली की दृष्टि से लाक्षणिक है। पंत जी की रहस्यवादिता या पंत जी की रहस्यात्मक विचारधारा प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों में कोई ना कोई जीवन तत्व देखने की कोशिश करती है। इसलिए पंत पूछते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगणी तुमने कैसे जाना, कहो कहाँ है बाल विहंगिनी सीखा तुमने गाना, या फिर न जाने नक्षत्रों से कौन मुझे बुलाता मौन। वही पंत जी यहाँ प्रकृति के निष्ठुर कठोर रूपों में भी किसी न किसी सत्य को देखते हैं। इसीलिए कहते हैं, आह तेरा तांडव नर्तन, हे प्रकृति तुम्हारा यह जो निष्ठिर रूप है, हे परिवर्तन, ये जो तुम्हारी निष्ठुरता है, क्रूरता है, वह कहीं ना कहीं नियंत्रित है, वह कहीं ना कहीं जीवन का रहस्य है जिसमें दुख और सुख दोनों है, यही परिवर्तन है। इसीलिए पंत जी फिर लिखते हैं, कहते हैं कि आज का दुख कल का आह्लाद और कल का सुख आज का विषाद। इसीलिए लिखते हैं, चार दिन की दिवस चांदनी और फिर अंधकार अज्ञात। ये जीवन क्या है, चार दिनों की चांदनी भरी रात है और फिर इसमें जो अंधकार है वह अज्ञात है। आप इस जीवन से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इसमें सतत सुख रहेगा ही या सतत दुख रहेगा। और फिर पंत अपनी दार्शनिकता को और खोलते, दुखवाद को मानते। दुखवाद एक ऐसा दर्शन है दोस्तों जो यह मानता है कि मृत्यु अटल सत्य है। कैसा सत्य है? मृत्यु अटल सत्य है। और इसी दुखवाद से लोगों की दो प्रकार की दृष्टियां उभरती हैं, भोगवादी वैराग्यवादी। वैराग्य कहते हैं सब कुछ छोड़ने की प्रक्रिया, लेकिन पंत जी वैराग्यवादी नहीं है, बल्कि पंत जी जीवन संघर्ष को कहीं ना कहीं जीवन में कर्म को महत्व देते हैं, भागना नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के। इसलिए कहते हैं, अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भाई यदि सिर्फ सुख हो तो भी जीवन निस्सार है। तब लिखते हैं कि दुख केवल समझ लीजिए कि जीवन की प्रेरणा है, दुख से भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता, और केवल सुख सुख का निस्सार रूप है, और केवल अश्रु यदि मिले तो उससे भी जीवन अपूर्ण है। पंत जी लिखते हैं, बिना दुख के जीवन निस्सार और बिना आंसू के जीवन भार, और जीवन की सुंदरता का चांद। देखिए, यदि उसमें सौंदर्य है तो कहीं ना कहीं लांछन को भी ले अवदात। भाई चंद्रमा सुंदर है तो उसमें लांछन भी उतना ही सत्य है। तो जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है कि जहाँ सुख है वहीं दुख है, यही परिवर्तन का सत्य है। जीवन बेशक अनित्य है, जीवन बेशक दुखवाद के तहत क्षणभंगुर है। लिखते हैं पंत जी कि उधर खोलती जन्म के कारण, उधर जो बचपना है वो आँखें खोलती और इधर मृत्यु मूंद लेती क्षण क्षण। एक प्रकार से व्यक्ति जन्म लेता है और उसी समय से उसकी उम्र घटने लगती है, बढ़ती नहीं। अभी तो आँखें खोला ही कि मृत्यु ने उसका प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया। इसलिए पंत जी की यह कविता मानती है कि बेशक जीवन अनित्य है, जीवन नश्वर है, मृत्यु अटल सत्य है, उसमें दुखवाद है, जीवन बेशक क्षणभंगुर है, क्षणिक है, किंतु इस जीवन का एक नित्य सत्य है। जीवन अनित्य है किंतु इसका एक नित्य सत्य है कि जीवन प्रतिपल परिवर्तित है।
परंतु इससे भागने की आवश्यकता नहीं, भाग कर आप जाएंगे कहाँ। इसलिए पंत जी का इशारा है कि जीवन का अस्तित्व भी है। इस दुख से, इस कष्ट से प्रेरित होकर जो कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वह जीवन के मर्म को समझते हैं। क्योंकि जो परिवर्तन है, जो मृत्यु है, वह चीर सत्य है, तो फिर उसमें भागना कहाँ। वह तो सतत प्रेरित करने के लिए है कि इस क्षणभंगुर जीवन को ही अपने संघर्ष के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा। इसलिए पंत जी कहते हैं कि अपने लिए भला कहाँ कोई अपना काम। व्यक्ति जो अपने लिए कार्य करता है, वास्तव में वह अपने लिए है कहाँ। इसका अर्थ है कि संपूर्ण जो सृष्टि है, संपूर्ण जो प्रकृति है, वह कई दशमलव बिंदुओं का समूह है। विश्व मानवता का भाव यही है कि परोपकार के माध्यम से, अपनी कार्यदशा के माध्यम से इस क्षणभंगुर जीवन को सुंदर बनाया जा सके। जैसे प्रसाद जी भी कहते हैं कामायनी में, एक तुम और यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। जैसे प्रसाद जी का मायने में फिर कहते हैं, यह प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी, शोधक विहीन, तुम इसका पटल खोलने को हो परिकर, कसकर बन कर्मलीन। तो पंत जी ने बेशक प्रकृति के भयावह रूप को देखने की कोशिश की, किंतु इसी परिवर्तित प्रकृति में, इसी परिवर्तित जीवन में उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को भी देखा कि एक छवि के समस्त उड़गन। समझिए, एक ही छवि सब में स्पंदन, एक ही विधि के सब अधीन। यदि संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जीवन, सभी जीव उसी से चालित हैं, तो यह समझने की आवश्यकता है कि एक विश्वात्मा की छाया है जो सर्वात्म व्यापी है। तो फिर इस क्षणभंगुर जीवन को भी प्रयास के द्वारा, संघर्ष के द्वारा क्यों न अभिराम से जोड़ा जाए। बेशक हमारा अतीत सुंदर था, स्वर्णिम था, और आज ये सारी बातें मिथ्या हो गई हैं। आज चारों तरफ प्रकृति में हाहाकार है। आप देखें तो इस वैश्विक महामारी कोरोना ने यह साबित कर दिया है कि मार्च के पहले जो हमारी मनोदशा थी, अब वह नहीं है। हमें लगता था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक एक ऐसी महामारी आई, लोगों के काम धाम सब ठप, सभी रोजगार व्यवसाय सब ठप, आपका पढ़ना, हमारा पढ़ाना सब ठप। कभी कभी ये यांत्रिक युग की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, बिजली है तो पढ़ाई होगी, कैमरा लाइट एक्शन से जिंदगी अब जुड़ गई है, बंद कमरे में हम जैसे मानो अपना आत्म प्रसार ढूंढ रहे हों। बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? तो अगले चरण को आइए और देखते हैं परिवर्तन। यदि इस कविता की बात करें तो पल्लव की सबसे लंबी कविता है, और भावों के स्तर पे बात करें तो कविता में चार प्रकार के भाव बदलते हैं। आरंभिक पंक्तियों में देखा जाए तो अतीत सुखद था, अतीत की एक कल्पना थी जहाँ जीवन कष्टों से रहित था। सभी प्रकार से देखा जाए तो सुख समृद्धि व्याप्त थी। वहीं दूसरे भावों में देखे कविता का जब भाव बदलता है तो फिर पंत जी लिख पड़ते हैं कि वह सब मिथ्या बात, वो अतीत की सारी बातें आज मिथ्या प्रतीत हो रही हैं। और फिर देखते हैं कि सतत दुख है, चारों ओर आधी है, व्याधि है, बचपन का परिवर्तित रूप बुढ़ापा उन्हें दिखाई पड़ता है, अमरता का परिवर्तित रूप उन्हें जरा,
जीवन की व्याधियाँ उन्हें दिखाई पड़ती हैं, कष्ट दिखाई पड़ते हैं, यानी सतत दुखवाद को देखते हैं, मृत्यु बोध को देखते हैं, प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं। और फिर कविता का तीसरा भाव बदलता है कि जीवन परिवर्तन का नाम है और इसमें दुख और सुख दोनों जीवन के आयाम हैं। दुख है तो दुख से ही कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति है, इसलिए बिना दुख के सुख की कल्पना निस्सार है, ऐसा पंत जी मानते हैं। और फिर कहीं ना कहीं यह भी भाव रखते हैं कि दुख में जीने वाला व्यक्ति या जिसने दुख को समझा है, उसकी प्रेरणा, उसकी सर्जना को लेकर ही वह कर्मवाद की ओर बढ़ता है, वह कहीं ना कहीं साधना को जीवन का तत्व मानता है और दुख से भागने की जगह दुख को जीवन का एक रूप मानते हुए साधना को जीवन का मूल मानना चाहिए, यह पंत का भाव है। यदि कविता में भाव परिवर्तन के स्तर पे चौथे भाव को देखा जाए तो परिवर्तन को पंत जी बिल्कुल सत्य मानते हैं, यानी पहले भाव में अतीत की प्रशंसा है, दूसरे भाव में वर्तमान बदल रहा है, सतत कष्ट है, कविता का भाव तीसरे मोड़ पर जब परिवर्तित होता है तो वहाँ सुख और दुख दोनों जीवन के आयाम हैं और दुख से भी भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जीवन तो परिवर्तित है। और चौथा यदि भाव देखा जाए परिवर्तन, तो माना जाए कि परिवर्तन को इन्होंने अटल सत्य माना, इसीलिए लिख भी पढ़ते हैं पंत जी कि परिवर्तन तुम निर्वचनीय हो, परिवर्तन तुम ही शाश्वत हो, तुम ही अटल सत्य हो, तुम दुर्जीय हो। और मनुष्य जो है वो मिथ्या अहंकार में बैठा हुआ है, हे परिवर्तन तुम चिरंतन हो, तुम बदल नहीं सकते, इसे स्वीकार करना ही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। दोस्तों, इस कविता के विषय में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा कि यह कविता पंत की सभी कविताओं के आकाश में, यानी उनके काव्य आकाश में उस तारे की तरह है जो सबसे अधिक प्रकाशित है, दे दीप्यमान है। फिर उन्होंने कहा कि यह अपने आप में एक ग्रैंड महाकाव्य है। हालांकि लंबी कविता है लेकिन इसमें महाकाव्यात्मकता के सभी भाव हैं, यदि देखा जाए तो कई प्रकार के छंदों का इसमें मिश्रण है, तत्समनिष्ठ भाषा का प्रयोग है। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि पंत जी छायावादी रचनाकार थे और छायावादी कविताएं मुक्त छंद की हैं। आप देखेंगे कि हर पंक्ति में एक लाइन और नीचे की दूसरी पंक्ति में दो लाइन नहीं है इस कविता परिवर्तन में भी। हाँ, लय और तुक है तो लय और तुक हो, किंतु इस प्रकार के विराम ना हो तो उस कविता को मुक्त छंद कहते हैं। दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि पंत जी ने यह प्रमाणित कर दिया कि खड़ी बोली में भी ऐसी कविता लिखी जा सकती है। जब महाकाव्यों का दौर हो, श्रृंगारिक रचनाओं का दौर हो, तब खड़ी बोली में इस प्रकार की चिंतन प्रधान कविता, विचार प्रधान कविता को लिख करके पंत जी ने साहित्य जगत में अपनी एक निश्चित पहचान बना ली। देखा जाए तो तत्समनिष्ठ भाषा में, खड़ी बोली में तत्समनिष्ठ शब्दों के माध्यम से दार्शनिक विचारों को उद्घाटित करने वाली यह चिंतन विचार प्रधान कविता है। व्याख्या के कई मुद्दे आपसे पूछे जा सकते हैं, दर्शनों का सहारा लेकर आप बातों को समझा सकते हैं। साफ साफ देखें तो गीता का परिवर्तन सिद्धांत, परिवर्तन संसार का नियम है, और फिर साधना जीवन का मूल यानी कर्म की प्रेरणा भी है। जीवन में सतत सुख दुख है, कहीं ना कहीं बौद्ध दर्शन भी है जहाँ पंत जी यह मान लेते हैं कि मृत्यु ही अटल सत्य है, प्राकृतिक आपदाएं ही जीवन का सत्य बनी हैं, और इसके साथ साथ उपनिषदों के भाववाद, अद्वैत के वेदांतवाद को भी लेते हैं जहाँ कहते हैं एक छवि के सभी उड़गन, एक ही छवि सब में स्पंदन, एक बुनते विश्व रज्जु है। क्या मैं उम्मीद करूं कि सतही तौर पर यह कविता समझ में आई?
यदि नहीं समझ में आई तो इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे, व्याख्या के स्तर पर देखेंगे। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।